वेलकम बैक टू माय चैनल लाटर फैमिली में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सभी लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तो सबको ही आती होगी, लेकिन मैं जो है वो डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ, एक अलग तरीके से आपको बनाने की बताऊँगी, जिससे आप फटाफट एक या दो मिनट में बनने के लिए तैयार होने के लिए रख दोगी और एकदम ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चावलों की रेसिपी। जो कि मेरी वीडियो देखते होंगे तो सोचते होंगे ये तो हर दूसरे या तीसरे दिन ऐसे ही राइस बनाती है, चावल बनाती है, पर मेरे परिवार वालों को और मेरे बच्चों को चावल बहुत पसंद है और उनको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं आज उसी की जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना और देखना कि मैं कैसे कैसे चावल बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कढ़ाई। अब कढ़ाई को मैंने धोया था तो इसमें पानी है थोड़ा सा जो बच जाता है धोने के बाद, तो अभी पहले इसको सुखा लेंगे। तो चलिए और आगे का मैं काम शुरू कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ियाँ कट कर ली हैं इसमें मैं डाल रही हूँ गाजर, मटर, आलू, प्याज और जैसे जो भी सब्जी आपके घर पे हो, शिमला मिर्च हो, गोभी हो, वो आप डाल सकते हो। मेरे पास आज यही थी तो मैं यही डाल रही हूँ। और चावलों को ऐसे खिलमा खिलमा बनाने के लिए जैसे वो दिखाते हैं ना ऐड वगैरह में, किसी भी एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि जैसे एक एक चावल गिन सकते हैं, वैसे बनाने के लिए हमें थोड़ा सा खुला बर्तन चाहिए होगा, तो आप पतीला या कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो कढ़ाई जो है मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, क्योंकि हमारा जो परिवार है ना बड़ा परिवार है, हम 7-8 जन हैं एक परिवार में और बड़े बड़े हैं सारे, बच्चे तो 2 ही हैं, तो इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई ली है। तो अब मैंने इसमें बनाने के गैस जो है चला दी है और अभी जैसे ये पानी सूख जाएगा ना उसके बाद मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी और उसके बाद जो होगा हमारा तड़का तैयार होने के लिए शुरू हो जाएगा। उससे पहले ये देखिए मैंने सब्जियों को अच्छी तरीके से कट कर दिया है। ये 2 टमाटर लिए हैं, टमाटर आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी, आप डालो या ना डालो। और मैंने लिया साथ में मटर ली हैं, ये देखिए मटर, मटरों को मैंने पहले ही छील के रख लिया था क्योंकि बार बार मैं छील नहीं सकती, क्योंकि खाना बनाने में क्या होता है कि जल्दी होती है। और अभी मैं चल के एक बार चावल ले लेती हूँ फटाफट से। कढ़ाई जो है गर्म हो गई थी तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है और ये चावल मैंने ले लिए हैं, तो इसको 4-5 बार धो लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, क्योंकि घी जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है। ये देखिए कैसे एकदम से ये ऊपर आ गया, ये जैसे ही ब्राउन ब्राउन सा होगा उसके बाद जो है हमारी कटी हुई जो ये सब्जियां हैं ये मैं सारी की सारी इसमें डाल दूंगी। तो अब जो है इसमें मैं ये सब्जियां डाल रही हूँ क्योंकि जीरा जो था वो ब्राउन हो गया था। अब इसमें तेज पत्ता या फिर जैसे चौक तैयार करते हैं ना सब्जी का, वैसे भी तैयार कर सकते हो, पर मैंने जो है ऐसे ही डायरेक्ट डाल दिया है क्योंकि मैं जो तरीका बता रही हूँ वो जल्दी से बनाने का तरीका बता रही हूँ। अब ना इसको 2 मिनट के लिए ऐसे इसमें हल्दी और नमक और मिर्च डाल के 2 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देंगे। इससे क्या है सब्जियाँ जो हैं थोड़ी सी पक जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने डाल दिया है नमक, मिर्च और हल्दी, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, कोई भी ऐसे मसाले नहीं बता रही हूँ जो कि आपके बच्चों को या फिर आपको आपके शरीर को कोई भी नुकसान पहुँचाए, क्योंकि ज़्यादा मसाले ना हम एक दिन खा सकते हैं, 2 दिन खा सकते हैं, इससे ज़्यादा बार नहीं खा सकते क्योंकि जलन होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल आसान तरीके से बता रही हूँ। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढक्के में रख दूंगी, मसालों को अच्छे तरीके से मिला दिया है और इसको अब ढक्कन ढक देंगे। तो अभी जो है 2 या 3 मिनट हो चुके हैं इसको ढक के रखे हुए। इस पे मैंने परात रख ली थी क्योंकि इतनी बड़ी कढ़ाई का मेरे पास कोई ढक्कन नहीं था। तो ये देखिए मसाले जो है बिल्कुल पक चुके हैं,
और कलर जो है कितना अच्छा आया है। और यहाँ पे मैंने चावलों को 3-4 बार धो लिया था और ये पानी से बाहर निकाल दिए थे। और ये देखिए, और जो हमारे चावल है ना, इनकी खुशबू भी इतनी अच्छी आती है कि दूर दूर तक पता चल जाता है कि आज मैंने चावल बनाए। ऊपर वालों को जब भी पता चलता है, ऊपर वालों को तो तभी पता लग जाता है, सभी को खुशबू आ जाती है। और अभी इसको ना अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक आलू दे देना निकाल के। नहीं, अभी कच्चा है। सब्जियां ज्यादा डालोगे ना तो और ज्यादा दिखने में अच्छे सुंदर लगेंगे और टेस्टी भी बनेंगे और क्या है, हेल्दी भी बन जाएंगे, क्योंकि सब्जियां तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ी और डालनी चाहिए। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। जितने मैंने चावल लिए थे ना, उससे 1 कप ज्यादा पानी ऐड कर देंगे। चावल कितने लिए थे? चावल मैंने 3 कप लिए हैं। 4 कप पानी। हाँ, 4 कप पानी, क्योंकि हमारा जो है ना परिवार बड़ा है, तो मैंने चावल भी ज्यादा ही बनाए। परिवार बड़ा है। परिवार बहुत बड़ा हमारा, खाता पीता परिवार है ना, क्योंकि कम तो कोई खाने वाला है नहीं। ऐसे नहीं है कि सब थोड़े थोड़े खाएंगे, सब पेट भर के खाएंगे। पेट भर के ज्यादा। और सबको चावल बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे तो दूसरी तीसरी बार डलवाने का मन कर जाता है। बस ये पानी बस है, सब्जी बना दी। कढ़ाई तो ना पूरी भर दी। अब कढ़ाई पूरी भर के ही खाएंगे। अब मैं इसको फुल आंच पे पकने के लिए रख दूंगी और ढक्कन लगा देंगे। इससे पहले ना थोड़ा सा नमक चख लेना। इसको ऐसे लो, नमक और मिर्च ऐसे टेस्ट कर सकते हो। कम या कम लगे तो आप इसमें डाल ऐड कर सकते हो, क्योंकि बाद में है ना आप मिलाओ भी के ना तो कहीं कहीं पे वो रह जाएगा, क्योंकि चावल पकने के बाद नमक नहीं लेंगे। तो इसमें मेरे को थोड़ा सा कम नमक लग रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। इसको फिर से मिक्स कर देंगे। फिर से टेस्ट कर देंगे। और इसको ढक्कन लगा देंगे। कितनी देर में बनेगा? अब ये 10-15 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। 10 मिनट। तो अभी जो मैं बनने के बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनके तैयार हुए हैं और टेस्ट करके बताएंगे ये नन्हे मुन्ने बच्चे कि कैसे बनके तैयार हुए। देखिए दोस्त, ये देखिए दोस्तों, चावल जो बिल्कुल बनके तैयार हो गई हैं। दिखाओ। और ऐसे ना जो सब्जियां है ना सारी की सारी आ जाती हैं, तो इनको ना ऐसे कर देंगे। वाओ, क्या मस्त येलो। और ये देखो खिलमा खिलमा कर, कलर भी तो येलो येलो आए हैं। और अब ना इन पे थोड़ा सा ना धनिया छिड़क देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए ना इसको ऐसे ही ढक्कन लगा के नहीं डाल दो। और बच्चों को ना देखते ही हो जाता है कि अभी डाल दो बस। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, मतलब ये तो सुबह तक बच जाएंगे लगता है। हाँ, बच गए ना तो मैं खाऊंगा। ये देखो कितना पीला पीला। और एकदम ना बिल्कुल देखो कितने खिलमा खिलमा बने, बिल्कुल ही ज्यादा। ये देखो, अरे देख लिया दोस्तों ने तो सारे कितने बार देखे हैं। मुन का मन और कट गया होगा खाने का। अभी मैं ना बच्चों को डाल रही हूँ। डाल दो सबसे पहले मेरी।
गोलू मैंने पहले ही लेके खड़ी थी कि मेरे डाल पहले मेरे थोड़े से ही इतने बहुत है 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 इसके लिए डाल दिए मैंने चम्मच नीचे लो घी तो डालो घी के बिना थोड़ा ना काम चलेगा लो ये घी ले जाओ मम्मी अरे ये मेरा डाल दो जा घी ले जाइए घी डाल लिया ना ठीक है जी माँ डाल दूँ तेरे मेरे चावल तो मेरी दादी आ रही है आ जा दादी आ रही है दादी और ये आगे तेरे और ये आ गई मेरी चावल और ये दादी की चावल अभी ये ना सारे के सारे तीनों बैठ गए खाने के लिए अच्छा गेर दे तिकड़ी ले गेर दे पहले तो पनीर खाए कैसे बने गोलू बहुत टेस्टी है मैंने बोला था मैं तो चम्मच ले लिया करो नहीं बेटी ये हाथ से खाती है इनको हाथ से खाना पसंद है दादी कह रही है कि तुम चम्मच ले लिया करो बुड्ढे ही डाल पहले बुड्ढे खा पहले बुड्ढे खाया करते माँ फिर हम बुड्ढे तो हैं ये हाथ से खाया कर दे और पहला के लोग तो हाथ से खाया करते माँ फिर नई पीढ़ी ने भी स्टार्ट कर सबड़े 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 नई पीढ़ी फिर तक खाने लग गई है बच्चे है ना वो ये वाला अपना रहे हैं जो पहले दादे परदादे खाया करते कैसे बने छबू बहुत टेस्टी इसके साथ दही और मिल जाए ना मजा आ जाएंगे या फिर दूध दूध किसे बने रे मां मम्मी दूध ले आओ बहुत अच्छे बने दादी भी एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं मम्मी बोलते हैं दादी आप भी बोल दे मां न्यू ईयर बनाओ ना न्यू बना के न्यू को एक बार जरूर बना के देखो एक बार जरूर बना के देखो शौक जाओगे बहुत टेस्टी बने हैं भाई अभी सुधारिया मेरी बारी क्या मैं बोलेगी टाइम ही नहीं है फुल ले बना फिर बढ़िया है तो और कुकर में थोड़ा वो हो जाए है अपने कम भी पड़ जाएंगे कुकर में कित अपने सारा कुंड पा के कित बाटा आए थे ये बता बाबू नहीं आया है अभी तो दारा सिंह नहीं आई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर सारी वीडियो देख रखा करो और शॉर्ट्स नहीं शॉर्ट्स भी देखा करो शॉर्ट्स नहीं बड़ी वीडियो जरूर बाय बाय मैं अपनी लंच करने लेता हूँ लंच या डिनर इंग्लिश नहीं आती